ओके देखिए, आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कॉन्सेप्ट इज ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बिटवीन टू लाइंस, इसको जानने से पहले आप समझिएगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन इन 3D, वन इज कोप्लेनर लाइन एंड वन इज नॉन कोप्लेनर लाइन। आराम से समझिएगा, कोप्लेनर लाइंस क्या है? द लाइंस विच आर इन द सेम प्लेन, लाइंग इन द सेम प्लेन, लाइंस लाइंग इन द सेम प्लेन आर कोप्लेनर लाइंस, यानी जो एक ही प्लेन में लाई कर रही हो। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके सामने वाली वॉल है, उस वॉल पे आप स्केच पेन से यू कैन ड्रॉ थाउजेंड्स ऑफ लाइंस, तो वो सारी उसी दीवार पे रहेंगी, इज दैट ओके? दोज लाइंस विल रिमेन ऑन दैट प्लेन, तो वो क्या सारी आपकी कोप्लेनर लाइंस। अब इसके बाद आया नेक्स्ट, दैट इज नोन एज स्क्यू लाइंस। व्हाट इज स्क्यू लाइंस? ऐसे समझिएगा, टू लाइंस इन अ स्पेस, इन अ स्पेस विच आर नॉट कोप्लेनर, विच आर नॉट कोप्लेनर are called skew lines, are called skew lines. Okay, समझिएगा जरा ध्यान से, इसको दूसरी भाषा में ऐसा भी कहते हैं, skew lines are neither parallel nor intersecting. भाई ये क्या हुआ, इसका एक तरीका समझ लीजिए। मान लीजिए ये आपका रूम है, मैं आपको फिगर बना रहा हूं, दिस इज द रूम, ये इस रूम में ये आपकी दो वॉल्स है आमने सामने वाली, दीज आर द वॉल्स, वॉल वन एंड वॉल टू। अगर मान लीजिए मैं वॉल वन पे कोई भी लाइन बनाता हूं ऐसे लाइक दिस, तो ये सारी, ये तो अपने प्लेन में ग्रीन वाली लाइन सारी। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं यहां पर ब्लैक वाली लाइन बनाता हूं वॉल टू पे, तो ये अपने अपने प्लेन में लाइंस हैं, तो दीज लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। यू कैन से दैट दीज आर द लाइंस विच लाइज इन द डिफरेंट प्लेन। इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूं स्क्यू लाइंस की। सबसे पहला एग्जाम्पल मेट्रो लाइन, मेट्रो ट्रेन। कैसे समझिए जरा ध्यान से, ये नीचे ट्रैफिक चलता है आपका, मान लीजिए दिस इज द रोड और ये इधर मेट्रो के पिलर है, आराम से समझना, एंड ओवर दिस द मेट्रो इज गोइंग, यहां ट्रैफिक जा रहा है, तो इधर जो लाइंस होंगी इस प्लेन में और इधर जो होंगी, क्या ये इंटरसेक्ट करेंगी? दे आर नॉट गोइंग टू इंटरसेक्ट एट ऑल, प्लीज टेल मी, रिप्लाई करिए बेटा, इज दैट ओके? यस सर, यस सर। तो आप यहां देख सकते हैं, और ये जो पिलर है ये बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन्स, दीज आर पिलर्स जो कि दोनों प्लेन के। तो बेसिकली यू कैन से दैट मेट्रो कंस्ट्रक्शन इज अ लाइव एग्जांपल ऑफ स्क्यू लाइंस, इज दैट ओके? या दूसरा आप इलेक्ट्रिसिटी पिलर ले लीजिए, आपके इलेक्ट्रिसिटी पिलर्स हैं, आपके ऐसे केबलिंग होती है उनकी, और नीचे ये प्लेन है, तो भाई आप ये देखिए, ये नॉन कोप्लेनर ही होने चाहिए, नहीं तो नीचे शॉक लगेगा, इज दैट ओके? अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पिलर्स की बात करेंगे, ये बात क्लियर है सबको भाई, प्लीज रिप्लाई करिएगा। हाँ जी, यस सर। ओके, नाउ इफ यू अंडरस्टूड इट बिफोर डिराइविंग द मेन एक्सप्रेशन, अब पहले मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट।
पहले वो मीनिंग बताता हूँ, फिर एक कुछ रिव्यू देंगे, समझ लीजिएगा. दैट इज, व्हाट यू मीन बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? देखिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है, हमने ये, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम बात कर रहे हैं स्क्यू लाइंस के बीच में. मान लीजिए ये एक प्लेन है, दिस इज द प्लेन वन एंड दिस इज द प्लेन टू. हमने दो लाइन खींची अपने अपने प्लेन में, ये दोनों लाइंस क्या है, स्क्यू लाइंस है. इन लाइंस को एक लाइन ज्वाइन करेगी जो कि परपेंडिकुलर टू बोथ द प्लेन्स एंड परपेंडिकुलर बोथ द लाइंस. इट इज परपेंडिकुलर टू, दैट इज दिस एंगल इज 90 degree एंड दिस इज ऑल्सो 90 degree. दिस इज नोन एज लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी, क्लियर है वाली बात? यस सर. तो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हैज टू बी परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस. तो मेक श्योर, मैं आपको पहले बता रहा हूं क्योंकि ये क्लास आज की काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट. प्लेन जब आएगा तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको बड़ी अच्छी लगेंगी, लोगों को समझ में नहीं आती है, मैं बहुत एलोबरेट करके लाइव एग्जांपल्स आपको दूंगा और सारी फिगर्स वगैरह मेरी, इनके अच्छे से आप स्क्रीनशॉट संभाल के रखिएगा, लास्ट में बहुत काम आएंगे, देखिएगा. एक छोटा सा रिव्यू आगे बढ़ने से पहले, वेक्टर में एक कॉन्सेप्ट होता था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ये पिछले साल तक सिलेबस में था लेकिन अब ये सिलेबस में नहीं है, बट लेकिन मेरा काम है पढ़ाना, इसका यूज करूंगा मैं, जिसको बोलते हैं एसटीपी. क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? मान लीजिए आपके पास तीन वेक्टर्स हैं ऐसे, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप. वेक्टर बी आपके पास है ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप. और वेक्टर सी आपके पास है ए थ्री आई कैप प्लस बी थ्री जे कैप प्लस सी थ्री के कैप. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ए डॉट बी क्रॉस सी इज नोन एज एसटीपी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ट्रिपल मींस तीन, और स्केलर क्यों कहा, क्योंकि जब डॉट करेंगे तो एंड रिजल्ट स्केलर निकल के आएगा. लेकिन ये कैलकुलेट कैसे करेंगे? इट्स अल्टरनेट नोटेशन इज, यू कैन राइट आइदर दिस वे ए बी एंड सी, दिस ब्रैकेट्स, दीज आर द नोटेशन. नाउ हाउ यू आर गोइंग टू इवेल्युएट? अगर आपको याद हो आपने बी क्रॉस सी निकाला था ऐसे आई जे के, आराम से बात समझ लेना प्लीज, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री. आपने आई के लिए सोल्व किया था ऐसे बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू. जे के लिए सोल्व किया था ऐसे ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री सी टू प्लस के कैप ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू. लेकिन अगर मान लो मैं इसका डॉट ए के साथ करा दूंगा तो देखिए क्या आएगा, यहां आई की जगह क्या आ जाएगा, ए वन, यहां आ जाएगा बी वन, और के की जगह क्या आ जाएगा, सी वन. तो बेसिकली अगर आप नोटिस करें तो ये क्वांटिटी क्या बन गई, इट इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ ऑल दीज थ्री वेक्टर्स. इज दैट ओके? प्लीज टेल मी, रिप्लाई करिए भाई, प्लीज टेल मी, क्लियर है बेटा? यस. तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड देन वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स एज वेल. डन. देखिएगा, दिस इज द थ्योरम दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. कहता था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वन वैक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वन वैक्टर एंड आर वैक्टर इज इक्वल टू ए टू वैक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ बी टू वैक्टर इज डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू. नाउ लेट अस सी हाउ दिस एक्सप्रेशन केम इन टू द एग्जिस्टेंस. ऐसे समझ लीजिए, वी हैव टू लाइन्स. देखिए मान लीजिए ये लाइन है हमारी एल टू एंड दिस इज अनदर लाइन. ये दोनों स्क्यू लाइन्स है, ध्यान रखिएगा, बोथ आर स्क्यू लाइन्स. दे हैव बीन ड्रॉन इन देयर रेस्पेक्टिव प्लेन्स. दिस इज एल वन और मान लीजिए कि वो पास कर रही है ए से, जिसका पोजीशन वेक्टर ए वन था, एंड ये पास कर रही है बी से, जिसका पोजीशन वेक्टर था ए टू. व्हाट इज आवर इंटेंशन? वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पी क्यू. दिस इज द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. अगर आप देखें जो लाइन L2 है वो किस वेक्टर की डायरेक्शन में है? B2 की डायरेक्शन में. और ये किसकी डायरेक्शन में है? B1 की डायरेक्शन में. तो ये हमारा सारा यहां तक कॉन्सेप्ट हुआ. अब हमने यहां पर कहा, आराम से समझना प्लीज, हम कहेंगे कि PQ वेक्टर बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर बिटवीन L1 एंड L2. इज दैट ओके? तो अब एक कंडीशन बताइएगा, अगर PQ परपेंडिकुलर है दोनों लाइंस के, तो मैं कह सकता हूं माई PQ वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू B1 वेक्टर एंड माई PQ वेक्टर विल आल्सो परपेंडिकुलर टू B2 वेक्टर एज वेल. इज दैट ओके? क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी, प्लीज टेल मी, रिप्लाई करो भाई, प्लीज रिप्लाई. यस. ओके, नाउ कैन आई से दैट देयरफॉर माय पीक्यू वेक्टर विल बी पैरेलल टू बी वन क्रॉस बी टू? प्लीज टेल मी. क्योंकि ऐसा कौन सा वेक्टर होगा जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा? वो उनका क्रॉस होता है. तो यानी कि पीक्यू वेक्टर को किस डायरेक्शन में खींचा गया होगा? और मोर ओवर दिस पीक्यू वेक्टर इज परपेंडिकुलर नॉट ओनली टू द लाइंस बट टू दीज टू प्लेन्स एज वेल. सो देयरफॉर दिस पीक्यू वेक्टर हैज टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ बी वन क्रॉस बी टू. अब हम क्या करेंगे, आई एम ज्वाइनिंग दिस ए एंड बी, ज्वाइन कर दिया. बेसिकली जो आपका जो पीक्यू आएगा, जो डिस्टेंस आएगा, दिस इज नथिंग बट प्रोजेक्शन आएगा. यानी कि प्रोजेक्शन किसकी आएगी, आराम से समझना, प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अलोंग बी वन क्रॉस बी टू. और प्रोजेक्शन हम कैसे निकालते थे? ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी. व्हाट इज ए बी वेक्टर? अगर ए बी वेक्टर निकालेंगे तो वो कितना आएगा? ए टू माइनस ए वन वेक्टर. तो बेसिकली आपका पी क्यू डिस्टेंस क्या आ गया? मैंने मोड में इसलिए लिखा पूरा क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव. ए बी वेक्टर आ गया ए टू माइनस ए वन और डॉट करेंगे डॉट बी वन क्रॉस बी टू, सॉरी डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू. दैट इज द फॉर्मूला फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. इज दैट ओके भाई? प्लीज रिप्लाई. हाँ जी, रिप्लाई करो भाई, क्लियर है सबको? यस सर. ओके, अब इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कुछ आपके साथ मैं शेयर करूंगा और उसको बहुत अच्छे से नोट करिएगा. डन? हो गया बेटा? देखिएगा. यस सर.
समझिएगा सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इफ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी जीरो, यानी कि जो इसको डी ले ले हम, यानी कि अगर ये जीरो आएगा तो ये कब जीरो आएगा, जब ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू जीरो आएगा। तो इट इज अ कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग। इससे पहले अगर याद हो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि भाई हमने उसको लैम्डा और टी मान के किया था, तो इंटरसेक्टिंग प्रूव करने के लिए अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो दिखा देंगे तो डायरेक्टली कर लेंगे। और ये क्वांटिटी क्या है, एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन तीनों चीजों का। क्लियर है, प्लीज टेल मी। हाँ जी, और लाइन इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होगी कि लाइन्स कोप्लेनर होगी, क्योंकि एक प्लेन में ही लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, दो अलग अलग प्लेन में नहीं करेंगी। इज दैट ओके नाउ? यस सर। अब इसी का कार्टेशियन फॉर्म भी बता रहे हैं, वो भी समझ लीजिएगा। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपके पास लाइन वन थी ये, मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख लूं, x माइनस एक्स वन बाई ए वन, वाई माइनस वाई वन बाई बी वन, जेड माइनस जेड वन बाई सी वन, और ये लाइन है एल टू, एक्स माइनस एक्स टू बाई ए वन, सॉरी ए टू, वाई माइनस वाई टू बाई बी टू, जेड माइनस जेड टू बाई सी टू। हमने वेक्टर फॉर्म में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या पढ़ा था, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। इज दैट ओके? यही पढ़ा था भाई, रिप्लाई कीजिएगा। तो हमारा बी वन वैक्टर तो इस केस में क्या है, कैपिटल ए वन आई कैप बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। बी वन क्रॉस बी टू क्या आएगा अगर आप निकालेंगे तो, बताइए भाई, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन ऑफ आई कैप माइनस जे कैप ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन। मैं डिटरमिनेंट से डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ भाई, ये ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। अब अगर मान लीजिए ये क्वांटिटी देखी जाए तो ये ऊपर है क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखिए कैसे बनेगा, ए टू माइनस ए वन करेंगे तो आपके पास क्या बन के आएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन अपॉन ए सॉरी ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दिस बी वन क्रॉस बी टू। कितना आएगा, बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन का स्क्वायर प्लस ए वन सी टू इंटू ए टू सी वन का स्क्वायर प्लस ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन का स्क्वायर, ये आएगा। इज दैट ओके भाई, प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, क्लियर है बेटा? यस सर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, लेट अस डू सम प्रॉब्लम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कैन आई, हो गया भाई सबका? प्लीज रिप्लाई। यस सर। ओके, तो देखिएगा जरा ध्यान से, लेट अस कंसीडर द प्रॉब्लम।
कहता फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशंस आर गिवन. तो देखिए कैसे निकालेंगे. पहले तो आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा. यहाँ ए वन वैक्टर क्या है वो लिख लीजिए. व्हाट इज ए वन वैक्टर? सिक्स आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप. योर बी वन वैक्टर इज आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस टू के कैप. योर ए टू वैक्टर इज माइनस फोर आई कैप माइनस के कैप. एंड बी टू वैक्टर इज थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस टू के कैप. And the formula was A2 minus A1 dot B1 cross B2 upon magnitude of B1 cross B2. You have to just substitute in the formula. Now let us first find what is A2 minus A1 vector. What is that? If I directly minus it, it will be minus 10 I cap, minus 2 j cap, minus 3 k cap. Now, A2 minus A1 dot B1 cross B2, इनका ये निकाल लेते हैं, यानी कि STP, ये determinant बनेगा minus 10, minus 2, minus 3, 1, माइनस टू टू थ्री माइनस टू माइनस टू. लेट अस सिंप्लीफाई इट. फोर प्लस टू इंटू माइनस टू माइनस सिक्स माइनस थ्री इंटू माइनस टू प्लस सिक्स. दिस इज नथिंग बट माइनस 80. इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज टेल मी. Minus 16 and the last one is minus 12. तो ये आ गया minus 108. अब आपको देखिए वेक्टर का b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालने का एक शॉर्टकट बता रहा हूं. ये बेसिकली जो ये आपने कंपोनेंट ऐड करके किए हैं ये बेसिकली i j k के कोफिशिएंट यही आएंगे. प्लीज आराम से समझ लीजिएगा. तो मैग्नीट्यूड आपके पास आएगा 8 का स्क्वायर प्लस माइनस एट का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर. ये आएगा जो कि बन जाता है आपका 64 प्लस 64 प्लस 16 स्क्वायर रूट. दैट इज रूट 144 12. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका आ जाएगा मोड माइनस 108 अपॉन 12. तो 9 पे चला जाएगा मोड ऑफ माइनस 9. तो यू विल राइट 9 यूनिट्स. क्लियर है बेटा? प्लीज टेल मी. प्लीज रिप्लाई करिए बेटा. यस सर. तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. डन. कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको भाई? पहले बताइए मुझे. हाँ जी. देखिएगा जरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसको मैं 5 स्टार दूंगा. इस बार के सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी है और क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है. मैं समझा रहा हूं. देखिए सेम क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर. कहता फाइंड द लेंथ एंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. देखिए इससे पहले आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल रहे थे, इसमें ये लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात कर रहा. देखिए कैसे निकलेगा, आराम से समझ लेना. स्टेप वन, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपकी पहली लाइन है उसको लिख लीजिए. लेट अस राइट दैट लाइन. एक्स माइनस एट अपॉन थ्री 9 by minus 16 and z minus 10 upon 7 is equal to lambda. इसको lambda के लिए solve कर लीजिए. और ये जो any point आएगा इसको p ले लीजिएगा.
थ्री लैम्डा प्लस एट माइनस 19 सेवन लैम्डा प्लस 10 ये आपकी लाइन वन थी। सिमिलरली लाइन टू एक्स माइनस 15 बाई 3 वाई माइनस 29 बाई 8 जेड माइनस 5 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल्स टू सर वो वाई प्लस 9 होएगा ना कौन सा ओ मैंने 19 हाँ यार वो 9 है मैंने 19 लिख दिया जस्ट वेट तो ये इधर भी माइनस 9 आएगा देखिएगा तो यहां से इसको q ले लीजिए इस पॉइंट को ये आ जाएगा 3 म्यू प्लस 15 8 म्यू प्लस 29 5 म्यू प्लस 5 हम मान लेते हैं कि लेट PQ बी द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो करने से पहले हम पहले क्या करते हैं लेट अस फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ क्या आएंगे जरा ध्यान से देखना 3 म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 7 अगला आएगा आपका 8 म्यू प्लस 16 लैम्डा प्लस 38 एंड अगले वाला आएगा आपके पास माइनस 5 म्यू माइनस 7 लैम्डा माइनस 5 दीज आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ। अब हम कह सकते हैं PQ विल बी द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगी इफ PQ इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस अब एक काम कीजिए लेट अस राइट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन वन क्या है भाई लाइन वन के डायरेक्शन रेशियो देखिए जरा ध्यान से 3 माइनस 16 7 डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन टू उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है 3 8 माइनस 5 तो कंडीशन क्या थी परपेंडिकुलर की याद है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 यही कंडीशन थी तो दोनों के साथ लगा दे भाई डॉट प्रोडक्ट दोनों के साथ तो पहले के साथ करेंगे तो क्या आएगा 3 इंटू 3 म्यू माइनस 3 लैम्डा ये बड़ा क्वेश्चन है भाई 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा ये तो कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है 16 लैम्डा प्लस 38 एंड देन यू विल डू दैट प्लस 7 इंटू माइनस 5 म्यू माइनस 7 लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्या आएगा एंड अब इस सेकंड वाले के साथ डॉट करेंगे प्लस 7 प्लस 8 इंटू 8 म्यू प्लस 16 लैम्डा प्लस 38 माइनस 5 इंटू माइनस 5 म्यू माइनस 7 लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू 0 इन दोनों को सोल्व करते हैं एंड सोल्व करने पर जो मैं फाइनल लाइन बता रहा हूं वो ऐसे आएगी आफ्टर प्लीज सॉल्विंग देम आई एम राइटिंग द फाइनल कैलकुलेशन 157 लैम्डा प्लस 77 म्यू प्लस 311 इक्वल्स टू 0 लेट इट बी इक्वेशन 1 दूसरा आएगा 77 लैम्डा प्लस 49 म्यू प्लस 175 इक्वल्स टू 0 इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए सॉल्विंग फॉर लैम्डा एंड म्यू आई एम जस्ट राइटिंग द डायरेक्ट व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू लैम्डा इज कमिंग आउट टू बी माइनस 1 एंड म्यू इज कमिंग आउट टू बी प्लीज वेरीफाई योर सेल्फ कर लोगे ना ये वाला पार्ट तो बेटा प्लीज टेल मी हाँ जी यस सर क्योंकि जस्ट आई एम लिविंग द कैलकुलेशन पार्ट ऑन यू
तो अब हम हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे पी और क्यू के। देखिए पहले हम पी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे कैसे आएंगे, लैम्डा का वैल्यू डालेंगे हम यहाँ पर, तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे देखिए जरा ध्यान से, हमारा लैम्डा कितना आया माइनस वन, तो पी के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे हमारे वो आ जाएंगे, अगर मैं माइनस वन डालता हूँ तो इट इज़ फाइव, एंड ये प्लस सिक्सटीन प्लस नाइन आएगा आपके पास कितना बनेगा सेवन, देन थ्री। क्यू के लिए भी हम अब कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो हमने म्यू का वैल्यू कितना निकाला माइनस टू, तो माइनस टू डालने पर क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो आते हैं नाइन थर्टीन एंड फिफ्टीन। अब हमें क्योंकि डिस्टेंस कौन सा निकालना था पी क्यू डिस्टेंस, तो यहां तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से निकल जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ये नाइन माइनस फाइव का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट सिक्सटीन, देन थर्टीन माइनस सेवन का स्क्वायर दैट इज थर्टी सिक्स, देन प्लस वन फोर्टी फोर, तो इट इज टर्निंग आउट टू बी रूट वन नाइनटी सिक्स दैट इज इक्वल टू फोर्टीन यूनिट्स। लेकिन इसने इक्वेशन भी पूछा है, तो इक्वेशन तो आपको क्या करना, इन दो पॉइंट्स के थ्रू निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। देखिए उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए ना हमारे पास पी एंड क्यू, तो दो पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकाल दोगे, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई, इसको प्लीज इग्नोर मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आ जाएगा x माइनस फाइव अपॉन नाइन माइनस फाइव, y माइनस सेवन अपॉन थर्टीन माइनस सेवन, जेड माइनस थ्री अपॉन फिफ्टीन माइनस थ्री, दैट इज x माइनस फाइव अपॉन टू, y माइनस सेवन अपॉन थ्री, जेड माइनस थ्री अपॉन सिक्स, दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आई होप सबको क्लियर है बेटा, रिप्लाई करिए। हाँ जी यस सर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करके चलिएगा इसको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।